जय श्री राम। आज मैं बनाऊंगी एक ब्लाउज जो बिना बाजू का ब्लाउज है और बेल्ट वाला ब्लाउज है। ये कपड़ा है, इस ब्लाउज का जो नाप है उसके हिसाब से सबसे पहले इनर पे निशान लगाना है। जितनी लंबाई है उससे 2 इंच फालतू लंबाई लेनी है और इनर पे निशान लगाओ। उस टाइम जो तीरा है वो बीच में लेना है, किनारी पे नहीं लेना, बीच में से तीरा लेना है। 7 इंच का तीरा, 7 इंच का मुड्डा। बिना बाजू का है इसलिए मैंने थोड़ा ये बढ़ा कर लिया है, तीरा भी और मुड्डा भी। ये फिटिंग का निशान 2 इंच एक्स्ट्रा। इसी तरह कमर पे यहाँ फिटिंग का निशान है और 2 इंच एक्स्ट्रा। लंबाई और फिटिंग दोनों में दो दो इंच फालतू लेना है और फिर इस निशान के ऊपर से ये ब्लाउज़ काटना है। जब ये ब्लाउज़ एक हिस्सा कट गया, अब इस दूसरा हिस्सा दूसरी साइड इनर पे बिछा के सेट करके बढ़िया डाल और न्यू का न्यू काटना है। ये देखिए दोनों हिस्से बराबर कट गए, अगला और पिछला। फिलहाल ये दोनों जो पीस हैं, अगला और पिछला, ये दोनों बंद हैं, तो इनमें से कोई सा भी अगला कोई सा भी पिछला हम बना सकते हैं। अब लगाने प्लेट के निशान। ये 4 इंच पे है लगाया है निशान मैंने, ऊपर तक 11 लिया है और इनके बीच साइड अब लिए 2 2 इंच के निशान। इसका 7 इंच लिया है यहाँ तक। अब लगाना बेल्ट का निशान। तो जो मेन चीज़ है वो है बेल्ट। तो बेल्ट का निशान किस तरह लगाना है, जो ब्लाउज की लंबाई है टोटल उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 15 है तो 16.5 इंच पे ये निशान मैंने लगाया है। तो 16.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 16.5 इंच है, 15 का ब्लाउज तैयार करना है। तो 16.5 हो गया, इस 16.5 तय, और ये वाला है 3.5 इंच का निशान। और यो निशान जो है आधा इंच जैसे उसमें है एक्स्ट्रा, उसने छोड़ के इस आधा ने यहाँ छोड़ के वो 3.5 है, तो इस आधा ने छोड़ने के बाद ये होगा 2.5 इंच। ये निशान 2.5 पे लगाना है। तो जो आगे लगाया है उसे हमने 1 इंच कम करना है। 4 लिया तो 3 लेना है, और 3.5 लिया तो 2.5 लेना है, 1 इंच कम करना है। और दोनों निशान को जो बेल्ट के लगाए हैं उनको गोल शेप, हल्की हल्की गोल शेप देते हुए काटना है। यूं का यूं देखिए ये गोल शेप दे दी, और प्लेट के जो निशान है ये न्यू के न्यू रहने हैं। अब गला काटना है, जितना चाहिए उस हिसाब से अब गला कट करो। मैंने ये 2.5 इंच का चौड़ा और 7 इंच का लंबा लिया है। इसी तरह पिछला हिस्सा 10 इंच का गला बनाया है, ये भी 4 इंच पर प्लेट है, ऊपर तक 11 इंच है, दोनों प्लेट आगे पीछे की, ये इसकी पिछली दोनों साइड है, इस तरह ये बनानी है। अब ये जो पिछला हिस्सा है जो इनर पे काटा था, वो जो मेन कपड़ा है ब्लाउज का उस पर मैंने बिछा लिया, और दूसरी तरफ अगला हिस्सा बिछा लिया, बेल्ट अलग से बिछा ली, और ये मेन कपड़े के ऊपर इस तरह मैं चारों तरफ से इसने काट दूंगी। इसमें बस गला नहीं काटूंगी, ना अगला ना पिछला, क्योंकि गला काटना है नहीं काटना, गला पहले इनर पे सिलाई लगा के फिर फोल्ड करना है कपड़ा, तो इसलिए गला साथ की साथ काटना है जब मैं मशीन लगाऊँ इसमें सिलाई लगाऊंगी उस टाइम। तो पहले बिना गला काटे इसको चारों तरफ से ये देखिए इस तरह यू काट लेना है। ये देखिए ये पिछला हिस्सा, ये आगे का हिस्सा, और ये बेल्ट। सब काटने के बाद अब लगानी है सिलाई। तो सिलाई जो ब्लाउज का मेन कपड़ा है उसके ऊपर इनर रखना है, सीधी साइड इनर रखना है, और सबसे पहले गले पे ये देखिए ब्लाउज का उल्टा और इनर का उल्टा ऊपर नीचे है, इनर का सीधा और ब्लाउज का सीधा बीच में है दोनों। अब सबसे पहले मुड्डा, तीरा और गला, इन तीनों पर सिलाई लगा के एक एक पैर का गैप छोड़ना है और पलटना है। मुड्डे पे भी और गले पे भी सिलाई लगानी है, बाकी सिलाई बाद में लगानी है इसमें। तो ठीक, अच्छे से सेट करके मैं इस पे सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने मुड्डे पे सिलाई लगा के पिछली तरफ इनर पलट दिया, और फिर एक सिलाई दबाव की लगा दी मुड्डे पे, तीरे पे और गले पे, तीनों जगह सिलाई लगा के इनर को पीछे की साइड पलट दिया,
और फिर एक दबाव की सिलाई लगा दी। उसके बाद जो साइड बच गई थी उस पर कच्चा कर दिया सीधा। निचला और उकाई की जगह पे भी सिंपल सीधा सिलाई लगा दी, कच्चा कर दिया। ये देखो ऊपर से ब्लाउज पक्का काम हो गया, नीचे से अभी ये कच्चा है, इसका हम बाद में करेंगे। अब इसमें प्लेट डालनी है, जो प्लेट के निशान है यू के यूए निशान पे पकड़ के हमने प्लेट डालनी है। चारों प्लेट जो निशान लगाए हैं उसके हिसाब से डालने हैं। फिर ये बेल्ट, प्लेट डालने के बाद बेल्ट, बेल्ट का कपड़ा सिंगल एक एक पीस तो हमने शुरू में काट लिया था, ये देखिए, और दो पीस और काटने हैं ब्लाउज के, इसके बेल्ट के जो कपड़ा बच गया इनर उसमें से ही काटने हैं, यानी कि बेल्ट में जो कपड़ा इनर है वो डबल लगाया जाएगा, एक ब्लाउज का पीस और दो इनर के पीस। ये देखिए इसमें एक ब्लाउज का पीस है, दो इनर के पीस हैं, तो बेल्ट में इनर डबल लगाना है, और जिस शेप में ये बेल्ट कटी हुई है उसी शेप में ये तैयार करनी है। पहले सबसे नीचे वाली शेप तैयार करनी है, जो गोलाई की शेप है वो ब्लाउज में सिली जाएगी वो तैयार नहीं करनी, नीचे वाला हिस्सा तैयार करना है। अब ये देखिए मैंने नीचे वाला हिस्सा तैयार कर लिया, जो गोल शेप है जो हमने कटिंग करी थी वो नहीं सिलाई करी। अब उसको ब्लाउज में प्लेट डालने के बाद उसमें ये बेल्ट जोड़नी है, तो बेल्ट जब जोड़ेंगे तो बेल्ट को 1 इंच आगे बढ़ा के निकालनी है, बिल्कुल इसके हुकाई की पट्टी के साथ बराबर करके सिलाई नहीं लगानी, ये जो सिलाई है ये 1 इंच आगे बढ़ानी है, और पिछली साइड जितना एक्स्ट्रा निकल जाए निकल जान दो, लेकिन आगे की तरफ 1 इंच कपड़ा जरूर बढ़ाना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए बेल्ट दोनों पे मैंने लगा दी है, और बेल्ट जब लगाई जा फिर उसके बाद वे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने काट दिया। इस तरह ये बेल्ट बिल्कुल सीधी आपको दिखेगी। अब हुकाई की पट्टी लगानी है। बेल्ट जब लगाओ तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि दोनों बेल्ट दोनों हिस्से की एक साथ मिलनी चाहिए, ये छोटी बड्डी नहीं होनी चाहिए, इनकी सिलाई बराबर होनी चाहिए। प्लेट बेशक छोटी बड्डी थोड़ी सी हो जाओ लेकिन जो बेल्ट है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, इस तरह इन पर दोनों पर बराबर सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने हुकाई की पट्टी भी लगा दी अब इस पर, और एक तरफ कॉटन की लगाई है, दूसरी तरफ मैंने जो ब्लाउज पीस का जो कपड़ा था प्लेन वाला उसकी लगा दी है, दोनों में हुकाई की पट्टी लगा दी, और बेल्ट है वो बराबर है, गले साथ के साथ तैयार हो गए हैं, मुड्डे साथ के साथ तैयार हो गए हैं, प्लेट हमने इसमें डाल दी है। ठीक इसी तरह पिछला हिस्सा तैयार करना है, गला भी तैयार, प्लेट भी तैयार, बेल्ट भी तैयार, इसी तरीके से हमने पिछला हिस्सा तैयार करना है। इसका मुड्ढे और गला बना के पलटना है, फिर प्लेट डालनी है, और फिर जो हिस्सा बच गया उस पर कच्चा करना है। अब तीरा जोड़ के और फिटिंग के निशान लगाने हैं। ब्लाउज का तकरीबन काम हो गया, इसमें कोई पाइपिंग वाइपिंग नहीं लगानी, अगर ये प्लेन कपड़ा होता तो इसमें पाइपिंग लगानी थी। अब तीरा जोड़ के फिटिंग के निशान लगा दिए, और जो बैक में पिछला हिस्सा बड़ा था उसको साथ के साथ मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये ब्लाउज इस तरह बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही आसान है बनाना, आप भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं।